नमस्कार दोस्तों, अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुंबई, जहां हर कोई अपनी किस्मत आजमाने आता है, वहां पर रेलवे स्टेशन भी उसी हिसाब से बड़ा है। आपको आज हम बताएंगे कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर कितने प्लेटफॉर्म हैं। शायद आप ये नहीं जानते होंगे, तो चलिए आपकी जानकारी के लिए आपको बताते हैं कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का काम 1897 में पूरा हो गया था। इसको बनाने में उस समय पर 16,14,000 रुपए लगे थे, जिसकी कीमत अगर आज के हिसाब से लगाई जाए तो बहुत ज्यादा होगी। अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म कितने हैं। तो आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर 18 प्लेटफॉर्म हैं, जिसमें से 11 प्लेटफॉर्म लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स यानी कि लंबी दूरी की गाड़ियों के लिए इस्तेमाल में किए जाते हैं और 7 प्लेटफॉर्म लोकल ट्रेन्स के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई का सबसे बड़ा स्टेशन है और यह एक हिस्टोरिकल हेरिटेज स्टेशन है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसकी बिल्डिंग भी काफ़ी खूबसूरत है। हम आशा करते हैं जानकारी आपके लिए रोचक सिद्ध हुई होगी और आप इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।